के चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के महासंग्राम के बाद एक बार फिर बीजेपी विजयी हुई है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि उनकी मेहनत का परिणाम है, तो दूसरी तरफ विपक्ष दल का ये कहना है कि ये मात्र मोदी स्टारडम और ईवीएम घोटाले का नतीजा है। तो आइए आज बात करते हैं कांग्रेस से हरीश कोला जी से, आम आदमी पार्टी से खालिद सैफी जी से और जनता दल से अंजुम जी से। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके हार की वजह सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। देखिए, हार की वजह जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मोदी जी का जो चेहरा लेके ये लोग आए, बड़े चालाक पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के लोग, ये जो लहर जो मोदी की गई, लोकल मुद्दे पे इन्होंने कोई बात नहीं कही कि ये क्या काम करेंगे कॉर्पोरेशन में, लोकल बॉडी के इलेक्शन है। इन्होंने हमेशा से जो है ना कोई ऐसे बदलाने वाली बातें करते हैं। तो मोदी जी का काम इसमें कॉर्पोरेशन में कोई फैक्टर नहीं है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। इन्होंने केवल वही एक भ्रम फैलाने की स्थिति करके मोदी का चेहरा लेके आगे आए हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि कॉर्पोरेशन में क्या करेंगे। पिछले 10 साल से इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, और आपने देखा किस तरीके से सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए, लोगों को किस तरह परेशानी हुई। और आप यहाँ तक कि कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉई हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह तक ये लोग मुहैया नहीं करा पाए, और इसी बात पर लड़ते रहे कि भी पैसा हमने दे दिया, और उधर आप पार्टी ये कहती रही पैसा हमारे पास पहुँचा नहीं, और उसका खमियाजा दिल्ली की जनता ने भुगता। और ये समझ चुके थे कि इसके चलते दिल्ली की जनता इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई करेगी, और बहुत ज़्यादा काफ़ी भारी मतों से इनको हारने की तैयारी में बैठी थी दिल्ली की जनता। इन्होंने वही एंटी कंपल्सी के फैक्टर के आड़ में इन्होंने सारे कैंडिडेट बदल दिया, जिससे कि ये मैसेज चला जाए कि भी नया चेहरा, नया जोश, जो अपनी पुरानी कमियां थी उनको छुपाने के मद्देनजर इन्होंने सारी नीतिगत तरीके से उन्होंने बड़ी एक नीति से उन्होंने काम किया, जिसमें कि दिल्ली की जनता उसके धोखे में आ गई। जबकि इन्होंने ये बताना भूल गए कि ये मोदी का काम सफाई करने का नहीं, नाटी कड़ंगे और ये देख रहे दिल्ली वाले सफाई हाउस टैक्स, ये मोदी का काम नहीं है और दिल्ली की भोली वाली जनता इनके राह। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ईवीएम घोटाले की वजह से बीजेपी की जीत हुई है, तो आपका क्या, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और उनके तमाम लीडरों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी एमसीडी चुनावों में जीत के ऊपर बधाई देना चाहूँगा कि मैंडेट जिस भी तरह का रहा, चाहे उन्होंने ईवीएम में घोटाले करके ईवीएम को बदल के ईवीएम में गड़बड़ियां करके चुनाव जीता, लेकिन बहरहाल जो भी नतीजे हैं हम उस नतीजे का सम्मान करते हैं। जनादेश है, जनादेश का हम जो है उसका सम्मान करते हैं, बीजेपी को बधाई देते हैं। जहाँ तक रही ईवीएम की बात, देखिए सिर्फ 2009 में चुनाव हारे थे ये यूपीए टू की जब गवर्नमेंट बनी थी, बीजेपी चुनाव हारी थी। उस टाइम उन्होंने पूरी रिसर्च उसके ऊपर करवाई थी ईवीएम मशीन पे, जबकि उनके बड़े नेता जीवीएल नरसिम्हा राव और एल के अडवाणी साहब ने इसके ऊपर किताब भी लिखी है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने 100 पॉइंट बताए जिन तरीकों से ईवीएम को जो है बदला जा सकता है, उसके रिजल्ट को इफेक्ट किया जा सकता है। आज वो जब ईवीएम पे इन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने उसमें देखा उसमें किस तरह से जो है रिजल्ट को बदला जा सकता है, उसको इफेक्ट किया जा सकता है अभी तक, और आज ये खुद उस ईवीएम के पक्ष में खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, शंका जो बिल्कुल जाती है वहाँ पे कि जहाँ बीजेपी के 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी थी, बुरा हाल पूरी दिल्ली का है, कूड़े से, सफाई से, और जितने भी मुद्दे जो है एमसीडी के अंदर जब आते हैं सब लोग बड़े बेहाल थे, बावजूद उसके इतना बड़ा मैंडेट मिलने जो है ना कहीं ना कहीं शक जाता है। जहाँ पे बीजेपी का कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं था, वहाँ पे बीजेपी जो है 50% वोट लेकर उन सीटों से विजयी हो रही है, तो शक तो जाता है। और हमारी शुरू से डिमांड ये रही है कि जो मशीनों में फॉल्ट निकला है, इलेक्शन कमीशन मशीनों को फौरन बदल देता है, उनकी जांच, अभी तक कोई टेक्निकल रीजन आज तक एक मशीन का इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया कि इसमें ये टेक्निकल फॉल्ट था, इसकी वजह से ये आ गई। जो मशीन पकड़ी जाती है, जिसकी चोरी पकड़ी जाती है, वो मशीन फौरन ये बदल के दूसरी मशीन लगा देते हैं। तो रिप्लेसमेंट करना कोई इलाज नहीं है, इलाज ये है आपसे IIT खड़गपुर के एक कंपनी के एक IITians ने, उन्होंने मशीन मांगी, खुद हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप 72 घंटे के लिए हमें मशीन दे दें उसके कोड के साथ, हम आपको दिखा देंगे किस तरह से हैक करते हैं। अब ये कहते हैं जो मशीन दिल्ली में मशीन मौजूद थी, इन्होंने फिर राजस्थान वाली मशीनें मंगवाई हैं। तो जब इस तरह की बातें होंगी जरूर शक तो जाता ही है। हम ये नहीं कह रहे कि हम अकेली पार्टी थे जो जीत सकते थे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगर पार्टियां इस बार की बार बार डिमांड कर रही हैं कि ईवीएम मशीन की जांच होनी चाहिए, तो निष्पक्ष इसकी जांच होने में क्या बुराई है? जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कांग्रेस से बगावत ली थी और आज चुनाव में सबसे खराब हालत उसी की है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे जो बड़े लीडर थे जिनकी वजह से कांग्रेस का ये बुरा हाल हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग आ गए थे बीच में जिन्होंने पार्टी को खराब किया, और वहाँ बोली लगती रही और टिकट उनको दिए गए। हम जैसे कैंडिडेट जो थे खड़े रहे मैदान में,
और हम लोगों को लाइन में लगाया गया, इंटरव्यू में रखा गया कि हम लोग का इंटरव्यू चल रहा है और दूसरी जगह ऑफिस की ओपनिंग हो रही है, वहाँ पैसों की डिमांड चल रही है, 21 लाख 20 लाख 35 लाख रुपए तक में टिकट बिक रहा है। तो अगर हम 35 लाख रुपए टेप दे करके टिकट लाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो हम जनता के बीच में कैसे लगा सकते हैं या जनता को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं या जनता का साथ कैसे देंगे? अजय माकन जी ने जो हाल किया, उन्होंने बहुत ही गंदा बहुत घटिया हाल किया, उन्होंने सारे जितने भी जिम्मेदार कैंडिडेट थे उनको किसी को भी उन्होंने टिकट ना दे करके अदर को टिकट दिया और उन्होंने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करते हुए चुनावी चर्चा जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं। Hello ladies and gentlemen, it's a great pleasure to inform you that the Face Singing Star Season 2 will be telecasted all over India. Well, if you sing at home, at school, in parks or with your friends, if you wish to be a successful singer, I promise you that the Face Singing Star Season 2 will prove as a great platform. For more details, log on to our website at www.facegroup.in. Face Singing Star Season 2 on JK News. चुनावी चर्चा। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंजुम जी का ये इल्जाम है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकट पैसे लेकर के दिया करती है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस विषय पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से और कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों को ये चीज़ें हमारी जानकारी में आई, ये बेहद शर्मनाक है अगर ऐसी बात है। और मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन लोगों को चाहिए कि अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है या ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट पता लगती है, चाहे वो कद में कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना सीनियर मिनिस्टर, अगर पैसे की कंसिडरेशन में आती है बात, तो ये जो है कार्यकर्ताओं से धोखा है और देश के लोगों से धोखा है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का सपना जो है राजीव गांधी ने देखा था, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा इंदिरा जी ने दिया था, और राहुल जी का भी यही समझा गया, यही सपना है कि ट्रांसपेरेंसी रहे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में माकन जी ने ये पहले कहा था कि हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का माध्यम बनाएंगे, डिजिटाइज तरीके से हम लोग टिकट वितरण करेंगे और एक्चुअल कार्यकर्ता को टिकट देंगे। अगर उसमें कहीं कोताही है, कोई चाहे कितना ही बड़ा एमएलए हो, कोई मिनिस्टर हो या कोई भी उसमें इन्वॉल्व है, उसकी जांच कराई जानी चाहिए और उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। पार्टी हित में नहीं है ना भविष्य के हित में, पार्टी हित में अगर कोई काम करना है तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन ऊपर से आएगा। जब तक ऊपर वाले डिसिप्लिन की बात को नहीं कहेंगे, उसको लागू नहीं करेंगे, तो कार्यकर्ता डिसिप्लिन होकर लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसकी लड़ाई नहीं बेकार। खाली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुनाई पड़ रहा है कि केजरीवाल जी एक बार फिर से आंदोलन करने वाले हैं, ईवीएम घोटाले के मामले को लेकर आंदोलन करने वाले हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि आप अपनी नींव से हट गए थे? देखिए, आपने खुद कहा घोटाले से जी, हमारी पार्टी का जो जन्म हुआ आंदोलन से हुआ, वो आंदोलन किसके खिलाफ था? वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ, खराब व्यवस्था के खिलाफ। आज ये जो ईवीएम का घोटाला है, जो ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, ये अपने आप में देश का सबसे बड़ा घोटाला है। अब से पहले जितने भी घोटाले हुए वो हमें से फाइनेंशियल लॉसेस करे, इस घोटाले ने लोकतंत्र के सिस्टम को, जनतंत्र को खत्म करने, उसको खराब करने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर जजमेंट में हमने कहा था कि आप जो ना वीपैट मशीन मंगाइए, वीवीपैट मशीन से क्या होता है, जब कोई वोट कास्ट करते हैं तो उसकी स्लिप साथ में निकल के आती है, जैसे क्रेडिट कार्ड या कोई चीज़ यूज करते हैं तो उसकी स्लिप आती है, उसमें वोटर देख सकता है कि मैंने जो बटन दबाया था क्या उसी पार्टी को वोट किया। वो पर्ची आप जो है बॉक्स में आप डाल दीजिए, बाद में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो पर्चे काउंट हो गए, क्लियर हो सकता है कि कितना है उसमें। केंद्र सरकार क्यों वीपैट मुहैया इलेक्शन कमीशन को नहीं करवा रही? इलेक्शन कमीशन से हमने सवाल करा, उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास वीपैट मशीन, वीपैट सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए पैसा नहीं है। क्या आप ये मान सकते हैं, क्या देश की जनता इस बात को मान सकती है, भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए वीपैट मशीन खरीद सके? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है, और जनतंत्र को बचाने के लिए हमें सड़कों को उतरना पड़ेगा, हम 100% उतरेंगे। हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, हम तो आंदोलन से बनी हुई हमारी पार्टी है, आंदोलन करके हम जो है सत्ता, सड़क से सत्ता तक आए, हम दोबारा सड़क पर चले जाएंगे, हमें उसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, इसमें सिर्फ दो काम होंगे, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये साबित करना पड़ेगा वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि ये मशीन में टेम्पर प्रूफ है, मशीन में कोई घोटाला नहीं हो सकता, या फिर वीवीपैट मशीन इनको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर दोबारा से बैलेट पेपर पर जाना पड़ेगा। खालिद साहब का जो कहना है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा तो खालिद साहब से मेरे बड़े मित्र हैं, अच्छे संबंध है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप पार्टी वालों से कि भाई सारी जिंदगी आंदोलन ही करते रहोगे,
अब आप पावर में बैठे हो, दिल्ली की जनता के लिए कुछ कल्याण काम कर लो, कुछ विकास कर लो। बार 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 आप ये ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम की बात ही पहले क्यों नहीं करी आपने? आप जब वोटिंग हो गई, रिजल्ट निकल गया, अब आप लकीर पीटर साफ निकल गए, ये बात पहले करनी चाहिए। आप पंजाब में इलेक्शन करने जाते हैं, वहाँ ठीक होता है, आप गोवा जाते हैं सब ठीक होता है, आप पिछले बार 67 सीट देख गया, मतलब गोवा के इलेक्शन उसके लिए भी खड़ा मामला ये बार बार सामने आ रहा है। हमने पंजाब के इलेक्शंस के बारे में भी हमारे सत्ता में आए थे और इसमें जो है हम 70 में से 67 सीट उठाते रहे। तब इन्होंने क्यों चेक कराया? वो भी दिन के लिए मेरा ईवीएम का सवाल वो पार्टी उठाएगी जिसको ईवीएम के घोटाले थे या उसके नुकसान से नुकसान होगा। अगर इनको ऐसा लगता है कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को, अगर इन्हें लगता है कि ईवीएम के घोटाले की या ईवीएम की कमी की वजह से हमारी 67 सीट आए, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें पूरी छूट है। आज सुबह अमित शाह ने कहा कि जो हर कोई कह रहा है 2015 में क्यों नहीं शिकायत करें, भाई हम जीते हमारे फेवर में चल रहा है, हम क्यों शिकायत करेंगे? ये तो आप लोगों का काम है। आप लोग इतने सोचते हैं कि हमारे आम आदमी पार्टी के कहने के बाद आप लोगों की नींद खुलती है कि हम ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है? मैं मानता हूँ हो सकता है वो फेवर में बीजेपी करना चाह रहे हो, हमारे फेवर में हो गया तो करवाए केंद्र सरकार, हम तो इसके लिए भी दावा करते केंद्र सरकार उन मशीनों को निकाले जो 2015 में यूज हुई थी। इसका मतलब आप भी मान रहे हैं, इसलिए कांग्रेस बीजेपी भी इस बात को मानती है। एक केजरीवाल को समझ आता है, एक केजरीवाल आपकी पार्टी में समझ आता है, मगर आपके सारे के सारे केजरीवाल है, जिला स्तर पर यही बात हो रही है, आपका डिप्टी मिनिस्टर भी कम से कम हमारी पार्टी एक लाइन में चल रही है। कांग्रेस का तो हाल ये है कि राहुल जी बैंकॉक में बैठे हैं, माकन जी जो है वहां जा रहे हैं, लवली जी बीजेपी में पहुंच गए और शीला दीक्षित का जी पता नहीं है, संदीप दीक्षित जी आपके गाय रंग से चुनाव हार रहे हैं, वो कांग्रेस की तो कोई लाइन ही नहीं बची। कम से कम आम आदमी पार्टी पंजाब नहीं पंजाब की पार्टी लेके हमारे राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल से लेके और आखिर स्तर के कार्यकर्ता सब एक ही लाइन बोल रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी की यूनिटी और पार्टी की वेल प्लान स्ट्रेटेजी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं सब लोग एक साथ होकर मिलकर कर रहे हैं काम। खाली जी, आपकी पार्टी ने तभी संतोषजनक वोट पाया है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आपके जीत के आसार? देखिए, कांग्रेस की जो आज हैसियत है, कांग्रेस की हैसियत आज से वो वोट काटने वाली पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या करा जो 2015 में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इन तमाम हालात के बावजूद और या ईवीएम के सपोर्ट से किसी भी तरह से उन्होंने अपना जो उनका वोट शेयर है 34-35% रखा। ऐसे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को 50% या 40% वोट मिल गया, उन्हें तीनों एम सीरीज में उन्हें करीब 34-35% वोट मिले, वोट शेयर मिला है। पिछले चुनाव में हमारा वोट शेयर 35% था, कांग्रेस का वोट परसेंट 6-8% था, कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा बढ़ गया तो 21% पर पहुंच गया, तो वो एक नुकसान है कि जो आपको रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ऐसा है कि हमारा जनाधार नहीं घटा है, हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमारे लिए प्रो इनकम्बेंसी है कि लोग हमारे काम से खुश हैं। कोई आप हम जमीन स्तर पर घूमे, हम जगह जगह गए, दिल्ली के तमाम वार्ड्स में गए, कोई बीजेपी की लहर ऐसी नहीं मिली, कोई बीजेपी भक्त ऐसे नहीं मिले कि जो कह रहे हैं चाहे कुछ हो जाए हम मोदी जी को के नाम पे वोट देंगे, हम फला के नाम पे वोट देंगे। लेकिन उसके बाद ये रिजल्ट है, ये बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट है। हमारे खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी होती या उसमें ये होता, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी जो आपके एमसीडी का 10 साल से बीजेपी काबिज है, उस एंटी इनकम्बेंसी के बराबर नहीं थी। लोग मुझे विलन कहते हैं, लेकिन पहचान बनाना एक दिन का काम नहीं, बरसों की मेहनत और लगन तब जाकर बनता है नाम। जैसे सर्वो कॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता, सर्वो कॉन रखे सब कंट्रोल में। एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी चर्चा पे और हमारे साथ एक नए सदस्य जुड़ गए हैं, रवि प्रकाश जी, जिनका ताल्लुक बीजेपी से है। रवि जी, आपकी पार्टी जो है वो विजयी हुई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और वातावरण बीजेपी का पूरा परचम लहरा रहा है, मोदी जी और योगी जी सब हो रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनने में आ रहा है कि ये चुनाव जो है वो मोदी इफेक्ट की वजह से जो है वो आप जीत रहे हैं। नहीं, मोदी जी को अलग थोड़ी किया जा सकता, मोदी जी बीजेपी से हैं, बीजेपी के हेड हैं और ठीक है कि मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, परंतु संगठन भी उसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी के लिए मतलब काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, उनका आदर्श मोदी जी हैं और मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं में जोश है, और क्योंकि जो उन्होंने अपने कार्यकाल में इस सरकार ने किया है
वो अद्वितीय है, दूसरा कोई व्यक्ति का मतलब सरकार में इतने कम समय में ऐसा परिणाम दे ही नहीं सकता था, ऐसी लोगों की धारणा है। और इसके कारण ही ये जो आज आपकी जीत हुई है उसमें मेन कारण ये है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, और जिस प्रकार से आपका ये जो जीत हुई है वो मोदी जी के जो नीति नियम और जनता के लिए काम करना और पायदान का लास्ट जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए सोचना और समाज के लिए सोचना, हर बार सोचना और 18 घंटे लगातार काम करना, तो ये सारा जनता सोच रही है कि बार मोदी जी को जिन्होंने विश्व में हमारा भारतीय जनता पार्टी का और 125 करोड़ लोगों का जो मनोबल पूरे विश्व के अंदर बढ़ाया है और मान सम्मान भारत का बढ़ा है, उसका सारा अगर श्रेय जाता है तो मोदी जी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। जी हरीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मैं तो केवल जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक्चुअली ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, इसमें जो है कि मोदी जी का मामला कुछ इसमें फैक्टर जो इन्होंने इस्तेमाल जरूर किया है, दिल्ली की जनता को इन्होंने जो गुमराह किया है, क्योंकि मोदी जी तो सफाई करने नहीं आएंगे ना। मोदी जी का बैटर कोई एमसीडी से रिलेटेड बात है, हाउस टैक्स की बात मैंने पहले बताई थी, हाउस टैक्स की बात है, सफाई की बात है, या और भी जितने भी जो डेली डे बाय डे के जो जरूरत का काम है, ये सब कॉरपोरेशन का काम है। तो उसमें इन्होंने ठीक है, मोदी जी का चेहरा एक मुखौटा, क्योंकि बिना मुखौटे के कोई बीजेपी चल नहीं सकती है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों का भी अटल जी का मोरा मुखौटा लगाए हैं लोगों ने, कभी कभी इन्होंने अडवाणी का इस्तेमाल किया, कब अब आज मोदी जी हैं और कब फिर योगी जी हैं जैसे कि सुनने में आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला जो है दिल्ली का लोकल बॉडी का इलेक्शन था उसमें इन्हें मालूम था कि ये जीत नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया, तो इनको कोई ना कोई ऐसा मिराकल या ऐसा चमत्कारी नेतृत्व या चेहरा इस्तेमाल किया, मुखौटा चाहिए था। उन्होंने मोदी जी का जो चल रहा है आजकल मार्केट में उसको चला के इन्होंने दिल्ली की जनता को जो है धोखा दिया है। अंजुम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो काम कांग्रेस 10 सालों में नहीं कर पाई वो क्या आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार कर जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये झूठी सरकार और झूठे वादे कहीं से कहीं तक ऐसा बताइए, कॉर्पोरेशन में कोई मोदी जी तो आएंगे नहीं सफाई के लिए, ना योगी जी आएंगे जी। लोगों को बहकावा और लोगों को दिखावा ज्यादा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। वेद प्रकाश जी, आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अब इनकी हार हुई है और इनको जनता ने नकारा है और इनके पास और कोई इसके सिवाय कहने को कुछ बचा नहीं है। आफ्टरऑल अगर मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान एक चलाया है और उसके अंदर क्योंकि दिल्ली में उस की सरकार थी आपकी, और जिस प्रकार से उन्होंने मतलब कॉरपोरेशन के साथ एक फंड ना दिया नहीं जिसके वजह से परेशानियां आई, उसके बावजूद भी पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया, जबकि बार बार स्ट्राइक हुई, लोगों को समय पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, वो उसका कारण केजरीवाल है। केजरीवाल ने जो इनका फिक्स अमाउंट था जो इनको देना होता है वो उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण दिक्कतें आई, उसके बावजूद भी पार्षदों ने काम किया, आज दिल्ली साफ नजर आएगी और दिल्ली के लिए आगे का रास्ता और भी खुलेगा। जब दिल्ली सरकार में भी बीजेपी अभी जल्दी आने वाली है, अगला चुनाव जब होगा दिल्ली सरकार भी बीजेपी के पास होगी और दिल्ली को एक सुंदर शहर के रूप में आप देखेंगे और साफ सुथरी होगी। अभी भी जो काम पिछली निगम में किया है वो भी अद्वितीय काम है। वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम था, कूड़ेदान कूड़े को समेटना, उठाना, डंपिंग हाउस पे लेके जाना, वहाँ से उसका निपटान करना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस था। इन्होंने अभी जो अब सुनिए जो सॉलिड वेस्ट था उसके लिए प्लांट लगाया है यहाँ पर और मतलब कूड़े से बिजली बनाने का काम किया है। ये बड़े बड़े काम जो किए हैं कॉरपोरेशन ने उस कॉरपोरेशन में, क्योंकि हम केजरीवाल की तरह नहीं है कि सरकार के डेवलपमेंट का पैसा एडवर्टीजमेंट में लगा दें। कॉरपोरेशन के जो हमने काम किए हैं वो हमने एडवर्टाइज नहीं किए, परंतु लोगों को मालूम है कि कॉरपोरेशन में काम हुए, इन्होंने किया काम, दिल्ली सरकार की मतलब का एडवर्टी सरकार का पैसा पंजाब में जाकर लगा दिया, गोवा में जाकर लगा दिया, दिल्ली की सड़कें के ऊपर एक रुपया खर्च नहीं किया, तनखा भी नहीं, ऐसे ऐसे कभी तो नकारा ना, तीसरे नंबर पर है। सर, विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो जमीनी मुद्दों पे नहीं बात करती है, नहीं जमीन ऊपर ही मुद्दों पे बात करती है। ऊपर ऊपर का कौन सा मुद्दा और जमीन का कौन सा मुद्दा है? अब ऊपर और जमीन के मुद्दे का अंतर बताइए। एमसीडी के चुनाव के अंदर एमसीडी के हमारे निगम पार्षदों ने काम किया और दिखता है, और उन परिस्थितियों में किया जब दिल्ली सरकार उनको काम करने में हमेशा बाधक रही, उसके बावजूद भी काम किया,
और एक अच्छा काम किया, अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आए, कूड़े से बिजली बनाने का काम किया, वेस्ट से तो उन्होंने उसको मैनेज किया, बहुत से काम ऐसे किए। आज इतनी कूड़े की अब जो बड़ी है उसके बाद उन्होंने नए उसमें गाड़ियां डाली हैं, कूड़े को उठाया है, आज सफाई होती है। परंतु जो इन्होंने फंड देना था, कोशिश तो ये थी ना इन सरकार की, ये कोशिश की थी कि किसी तरह से इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जाएं ताकि अगला चुनाव हम कॉरपोरेशन जी जैसे केजरीवाल ने अपना सोचा था, इसीलिए उनको तंग किया, पैसा देने में परेशानी की और तनख्वाह मतलब कर्मचारियों को दी नहीं गई, इसके पीछे मतलब दोषी कौन है? आज भी जिस प्रकार से लालच दिया, फ्री बिजली, फ्री पानी, हाउस टैक्स माफ, ये इससे प्रलोभन से काम थोड़ी चलता है। आपको प्रैक्टिकल ये नकारा है लोगों ने कि हमको, हम फ्री नहीं जाते, हम स्वाभिमान से पैसा कमाकर और जो भी हमारा टैक्स है वो देना चाहते हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। ऐसा लोगों की लोगों ने इनका जो फ्री हाउस टैक्स को नकारा, इतना बड़ा लालच दिया कि फ्री हाउस टैक्स अब कहाँ से देंगे, कोई इनका इनके पास संविधान के में कोई प्रोविजन नहीं, उसके लिए कैसे दे पाएंगे? जिस प्रकार से ये झूठे वायदे किए थे केजरीवाल ने, उसी का परिणाम है कि आज मतलब ऐसी 100 से ऊपर सीटें हैं जिन पे जमानत उनकी जब्त हुई है, आज वो तीसरे नंबर पर आ गई, जहाँ 67 सीटें ली थी आज वो तीसरे नंबर पर है। ये अपने गले में झांक के देखे तो सही, हमने किया क्या जनता के साथ, जनता को कितना धोखा दिया। मैं तो इस बात पे ही कहना चाहता हूँ, हमारे रवि प्रकाश जी बड़े आदर के योग्य, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, समाज सेवी रहे हैं, एक्स काउंसलर भी रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने अभी जो शब्द कहे कि इनके पास करने को क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, पिछले 10 साल से बीजेपी कॉरपोरेशन में स्थापित थी, इनका जो बात कह रहे हैं कि मैं हमने जो है सफाई अभियान की बात इन्होंने कही, मैं कहता पिछले 10 साल में लोगों ने देखा किस तरह, पिछले साल उससे पिछले साल किस तरह दिल्ली में पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हड़तालें हुई हैं और जो है कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को दिल्ली नगर निगम के, उनको तनख्वाह नहीं मिली, और कूड़े का ढेर लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कई महीनों तक उसको जो है दिल्ली की जनता ने झेला है। और ये किस मुँह से ये कहते हैं कि भाई हम लोग ये काम करेंगे, जो ये डंपिंग और कूड़े की बात कर रहे हैं, अभी सड़क और कूड़ा तो इनसे उठाया नहीं गया, इनको पैसे के फंड की बात है, इनका आपस में झगड़े में दिल्ली की जनता पिसती रही। और जहाँ तक सफाई की करने की बात है, तो अगर इनमें इतना भरोसा था, इतना कॉन्फिडेंट इन्होंने काम करा था, तो इन्होंने क्यों अपने पार्षदों का कैंडिडेचर बदल दिया? इन्होंने क्यों, इन्होंने ये एंटी इंटरपेसिव फैक्टर के डर के मारे, क्योंकि कहीं ना कहीं के मन में था कि हमने दिल्ली के लोगों को धोखा देना है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, और उस कमी के चलते इन्होंने सारे जो है पार्षद बदल के और मोदी का फैक्टर चला के, ये मोदी के फैक्टर से मोदी के चेहरे पर जीत के आए, ना कि पिछले साल इन्होंने, पिछले सालों में इन्होंने कॉर्पोरेशन में कोई ऐसे एक काम बता दें जो इन्होंने किया हो जिसकी वजह से इनको दोबारा चुना जाए। तो इन्होंने सिर्फ चेहरे का इस्तेमाल किया है और वो चेहरे और वो जो इनकी टैक्ट है, टैक्टिक है, वो कामयाब हो गई है, जिस तरह यूपी में चली अब इस तरह दिल्ली में चली। बीजेपी में सारे पुराने प्रत्याशियों को टिकट ना देकर के नए प्रत्याशियों को सामने लाया गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो जितने प्रत्याशी पुराने थे वो भ्रष्टाचारी थे? किसने कह दिया वो भ्रष्टाचारी थे? क्या आप किस आधार पर उनको भ्रष्टाचारी कहते हो? आपके पास क्या प्रमाण है जो उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हो? तो फिर बीजेपी का क्या रीजन है जिसकी वजह से अलग? बीजेपी इस देश की और सबसे बड़ी पार्टी है, बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, जो पुराने अनुभवी हमारे पार्षद थे, कार्यकर्ता थे, उनको संगठनात्मक जिम्मेवारी, उनके संगठन की जिम्मेवारी दी गई है ताकि वो संगठन को संभाले और नई जनरेशन के नए लोग यहाँ पर आए, क्योंकि ये जो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है ये कार्यकर्ताओं से सीधा पहली फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें इसको मतलब उसको पार्टिसिपेट करना होता है। ऐसे मौके पर ये जो कार्यकर्ता ने को मौका देने का एक काम किया है, हमारी पार्टी सबके लिए, सबका विकास, सबका साथ, जो साधारण कार्यकर्ता है, जो आज मतलब बूथ पर कभी पोलिंग एजेंट बना था, आज वो पार्षद बने हुए हैं, आज बने हैं, तो उनको भी लगता है कि पार्टी छोटे कार्यकर्ता के बारे में भी सोचती है। ये सोच है हमारी, ये ऐसा नहीं है कि जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन आप प्रमाण के साथ लगाए, ऐसे तो भी लगा सकते हैं आप। अच्छा अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे बीजेपी ने जो है वो सारे पुराने प्रत्याशियों को टिकट ना देकर के नए प्रत्याशियों को दी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मालूम था कि पुराने प्रत्याशियों को अगर खड़ा करेंगे तो जीत के लिए तो बहुत दूर की बात है, एक भी सीट नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ काम नहीं किया था जो दिखा सकते हैं। कोई भी ऐसा काम होता है जो दिखाते हो, चाहे वो कूड़े की सफाई को लेकर के होता, चाहे बिजली को लेकर के होता, चाहे पानी को लेकर के होता,
चाहे वो डिस्पेंसरी में दवाइयों का मैटर होता है, चाहे वो स्कूल के लिए होता है, वहाँ टीचर के लिए, बुक्स के लिए, किसी के लिए भी होता, उन्हें मालूम था कि हमारे जितने भी पुराने खड़े हुए जो चुनिंदा थे, उन्होंने कोई भी ऐसा वर्क नहीं किया था जिसे वो दिखा सकते। एक तरफ बीजेपी के जीत का जश्न है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप। अब देखना यह है कि बीजेपी की ये जीत उनकी मेहनत का नतीजा है या फिर सिर्फ मोदी इफेक्ट। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें फेस न्यूज़।